अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट हो गए शहरी के लिए। हम रास्ते में करतारपुर फिर भी यार अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अभी हम नींद से उठे, तकरीबन 5 मिनट हो गए और इंसाफ ने कहा कि अभी हमने जाना है शहरी के लिए करतारपुर रावलपिंडी फूड स्ट्रीट। तकरीबन यहाँ से 10 मिनट का फासला है, तकरीबन 10-15 मिनट का फासला है। सो वहाँ पे नाश्ते में क्या मिलेगी? निहारी वहाँ के बड़े फेमस है, शेख रशीद साहब जो आप अक्सर कहते हैं ना, सबसे फेमस है। अच्छा जी, सो नाश्ते में हमें वहाँ पे क्या मिलेगी? निहारी, और वहाँ की जो सबसे मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है वो है डॉक्टर साहब, और छोटे छोटे जो जानवर रहता है ना छोटे, उसकी पाँव, वो कलेजी जिसको हम कहते हैं ना, वो कलेजी। और इसके अलावा अंडा चना वहाँ का बड़ा मजेदार होता है, शेख रशीद साहब भी वहाँ पे आते रहते हैं। सो देसी फूड है, आप लोग के साथ शेयर करेंगे, वीडियो एंड तक देखिए और हमारे साथ रहिए। वैसे ज्यादातर हम इससे बाहर खाने तो नहीं खाते, बट आज जाते ट्राई करते हैं। हमारे पास एक स्पेशल कुक है। हाँ, और ये जो पीछे बैठे हैं मुर्तजा साहब, एमजी साहब कैसे? हमारे स्पेशल कुक है आला मुर्तजा, हमारे साथ रहिए। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि एंड तक रहिए हमारे साथ, वीडियो देखिए एंड तक, फिर इसको लाइक भी करें और बेल बटन भी दबा दें। अल्लाह आप लोगों को अजर दे। बाय बाय, टाटा। पहुंचने वाले हैं तकरीबन 2 मिनट के फासले में, फिर आप लोग को दिखाते हैं और मजे मजे के खाने। सो मैं तो खुद बड़ा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो थैंक यू फॉर द मसाज, थैंक यू सो मच छोटे भाई, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया मसाज करने का मुर्तजा साहब, इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर। सो ये हम पहुंच गए करतारपुर, और यहाँ पे मेरा आजे भाई, आजे भाई, आजे भाई, आजे। अच्छा जी, सो खाना खाया, सैरी कर ली। मैं अगर सही बता दूं मुझे तो मज़ा नहीं आया, एक रश बहुत ज़्यादा थी और खाना भी, अल्लाह खैर ही करे स्टमक ख़राब ना हो जाए। आप बता दें, हम जो है ना डॉक्टर साहब, पहले तो हम लेट आए, वो जिस शॉप के पीछे हम आए थे ना, रेस्टोरेंट के पीछे, उसके पास हतम था, और बाकी उनका तो फिर ऐसे ही अल्लाह मालिक है ना,
वो तो, लेकिन फिर भी यार भिंडी भिंडी है इस्लामाबाद माई माउपिंग। सो एनी वे बस हमने ऐसे ही देखना था, करना चाहिए वैसे, टेस्ट करना चाहिए। वैसे वो जो दूसरा वाला था ना, वो सूफी वाला, उसका टेस्ट काफी मशहूर, बस उसके पास खत्म था ना, लेट था ना, लेट हमारा, असल में हम लेट हुए थे। चले खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आएंगे, टाइम पे आएंगे और एक पूरा व्लॉग बनाएंगे। वो हमें वो जो कल्लू उस्ताद मिला उधर वहाँ पे, कल्लू उस्ताद भी आया था ना, जिसको चोगा पहना हुआ था शादी का। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कल्लू उस्ताद शादी का, उसकी प्रॉपर शादी जैसा वो हलिया बनाया हुआ था। दुनिया में पहला ऐसा मैंने रेस्टोरेंट देखा जो कि वो सामान बेचते हुए, यानी रेस्टोरेंट का मालिक और उसने चोगा पहना हुआ है शादी का। शादी का नहीं था, खैर आप नहीं समझ रहे, लेकिन चले एनीवे थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने देखा, आप लोग के और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें, आप लोग बता रहे स्ट्रीट फूड के बारे में कैसा रहा, और आइंदा के लिए हमें कोई सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम हम अपना अफतारी और सहरी हम कहाँ पे करें। अगर आप लोगों के माइंड में कोई अच्छा ऐसा है, इससे अच्छा कोई जगह इस्लामाबाद पिंडी में करीब में, तो हमें बताएं, हम फिर उधर जाएंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच, सब खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआ में याद रखिए। और सुबह हमारी ड्यूटी है, सो लेट हो रहे और जाके हम सोते 3-4 घंटे ड्यूटी। सो थैंक यू सो मच।